एक बार जीवन बिगड़ गया, दूसरी बार जीवन बन जाता है। गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो केवल चलती नहीं है, केवल चलती नहीं है बाकी गाड़ी का कोई रूप रंग बिगड़ता नहीं है महाराज। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो चलना बंद हो गया, पर उसे दोबारा पटरी पर रखा जाता है, ये सब जानते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन पटरी से उतर जाए तो उतर जाने दो, पर किसी अच्छे महापुरुष के हाथों से ज्ञान रूपी क्रेन से उठाकर विवेक रूपी पटरी पर फिर रखवा लो, फिर से इस गाड़ी चलने लग जाएगी। थोड़ा रिपेयरिंग का काम है, वो हो जाएगा, सत्संग से विवेक जागृत हो जाएगा, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञान की तो भरमार है तुम में भाई साहब, ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है, ज्ञान तो भरमार है तुम्हारे अंदर। कितना ज्ञान है, ज्ञान की क्या कमी है महाराज। ज्ञान इतना ज्यादा है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, ओवर ज्ञान है आपके अंदर। और जब ज्ञान ओवर हो जाता है तो फिर उसे कोई बात सही भी ठीक से समझ में आती नहीं है। ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव व्यक्ति जो है वो हमेशा जो है ज्यादा सोचने की वजह से फंस जाता है। ज्यादा सोचना भी एक बीमारी का कारण बताते हैं डॉक्टर। ज्यादा सोचने से बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, चेहरा मुरझा जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, चिंतन मनन तो करना है, पर जब दिल नेगेटिव हो जाए, बुद्धि नेगेटिव हो जाए, सोचना बंद कर दो। नहीं तो याद रखना महाराज, जैसे ही नेगेटिव हो जाते हैं तो हर जगह से विष पैदा होने लग जाता है, विष पैदा होने लग जाता है। क्योंकि पूतना गोकुल में जब आई थी तब माँ बन के आई, और जब उसने ज्यादा सोचना शुरू किया तो नेगेटिव हो गई, तो दूध में से विष पैदा हो गया। पहले विष नहीं था दूध में, पर साधु जी पहले दूध में विष नहीं था, इसीलिए कृष्ण ने आंचल को मुंह में भर लिया, और जैसे ही ज्यादा सोचा उसने विष पैदा हो गया। और विष का मतलब क्या है, विष का मतलब समझ गए, अचानक बुरा चिंतन होने लगता है, मन बुरा हो जाता है, बुद्धि बुरी हो जाती है, बुरे ख्याल आने लगते हैं, पूरे शरीर में रक्त खून बुरा हो जाता है, फिर अच्छा होने के लिए बहुत टाइम लगेगा महाराज। उसे कोई मार डाले, जिसने दूध पैदा किया वही कृष्ण है, उसी ने विष पैदा करवाया और उसी ने विष को समाप्त भी कर दिया। देवम स्पर्शम न गति भूयः, पर याद रखिए विष समाप्त करने के लिए पूतना को भी कृष्ण को गोद में ही सुलाना पड़ा।